हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लाइफस्टाइल विद शीतल। नवरात्रे बस शुरू ही होने वाले हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको वस्त्रमाला किस तरह बनाई जाती है ये आपको बता दूं। फ्रेंड्स, क्योंकि ये प्योर कॉटन की होती है, तो कोई भी फेस्टिवल हो, हम जब भी पूजा करते हैं तो वस्त्रमाला अपने भगवान को ज़रूर पहनाई जाती है। फ्रेंड्स, वस्त्रमाला कॉटन यानी कि रुई की बनी हुई रहती है, और ये रुई जो होती है वो प्योर होती है, इसमें किसी तरह का कोई केमिकल नहीं होता है। तो इस रुई से हम वस्त्रमाला बनाते हैं, बहुत आसानी से बन भी जाती है, आपको ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें बनाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने कॉटन ले ली है, लेयर वाली है, तो इसमें काफ़ी सारी लेयर हैं, मेरे को इसकी लेयर थोड़ा पतली करनी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले मैं पतली पतली पट्टियाँ काट लूँगी, करीब करीब एक एक इंच के आसपास की। तो फ्रेंड्स, पहले कॉटन की लेयर उसको आप पतला ही रखें, और उसके बाद एक एक इंच की स्ट्रिप्स कट कर लें, उतनी लंबी ही रखें जितनी लंबी आपको माला की ज़रूरत होती है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने भी ये पतली पतली और लंबी लंबी कर ली है। पट्टी की लंबाई मैंने यहाँ अपने लिए 12 इंच के आसपास रखी है। अब मुझे एक कटोरी में थोड़ा सा पानी चाहिए होगा, और साथ में ही थोड़ी सी रोली। मैंने करीब एक चम्मच के आसपास इसमें मिक्स किया, पहले थोड़ा मिक्स किया था लेकिन कलर अच्छा नहीं आया, तब फिर मैंने थोड़ा और इसमें मिक्स किया है रोली को। अब देखिए, पट्टी मुझे लगा थोड़ी सी मोटी है, तो मैंने खींच खींच के इसको थोड़ा पतला और कर लिया है। फ्रेंड्स, इसको बनाना बहुत आसान है, आपको जस्ट कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। जिस तरह मैं बनाऊंगी उसी तरह बस आप इसको फॉलो करते रहिएगा। मैंने इसको खींच के थोड़ा लंबा कर लिया था। अब मैंने अपने थंब और फर्स्ट जो फिंगर है, इंडेक्स फिंगर, उसको पानी में डिप किया और हल्का सा इस कॉटन पर थोड़ा सा प्रेस कर दिया है, और कम से कम एक एक इंच के आसपास का गैप मैंने इसमें रखा है। और दोबारा भी मैंने फिंगर को पानी में डिप किया, जिससे कि वो कलर फिंगर पर लग जाए, और एक जगह इसको हल्का सा लगाकर कॉटन को रोल कर दिया है। जैसे ही आप कॉटन को रोल करेंगे तो आसानी से बन जाएगी, बहुत आसान है बनाना, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। एक बार आप ट्राई करके देखिएगा और ये बनती चली जाएगी, बहुत आसानी से बन जाती है। बस आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादा पानी का यूज़ ना करें, अदरवाइज इसके टूटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। बस हल्का सा जिससे कलर फिंगर पर आ जाए, आपको इस तरह बना देनी है। तो देखिए कितनी आसानी से बन गई है ना, आपके सामने ही मैं बना रही हूँ। मैंने इस वीडियो में कोई भी एडिटिंग नहीं की थी, जिससे आपको पता चल जाए कि मेरी माला बन गई है। तो देखिए, मैंने करीब करीब 24 इंच के आसपास की माला ये बनाई है। अब इसको भी हम और किस तरह यूज़ कर सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने तीन मालाएँ बनाई हैं, एक टेबल पर इसको फैला दिया है। तो देखिए, अब ये माला फूल में किस तरह कन्वर्ट होगी। वैसे तो हम इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसी माला को भगवान को पहना सकते हैं, ये माला भी पहनाई जाती है, तो इसलिए फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस तरह पहनाना चाहें तो आप ये भी पहना सकते हैं, डबल करके पहनाना चाहें डबल करके पहना सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको इसमें एक वेरिएशन और बताऊंगी, जिससे कि वस्त्रमाला और भी सुंदर लगेगी। देखिए, मैंने सामने फ़ोटो भी शेयर किया है, इस फोटो में भी माता को इसी माला को डबल कर पहनाया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, दूसरा वेरिएशन सीखते हैं कि आप किस तरीके से और इसको सुंदर बना सकते हैं। मैंने एक माला ली, उसके ऊपर पानी टच करके दूसरी माला भी रख दी, और इस तरह पानी टच करते जाएं, और एक के ऊपर एक माला मैंने रख दी है। इसको थोड़ा सा गीला कर दिया है, जिससे कि ये यहाँ से ना हटे। तो फ्रेंड्स, ऊपर की जो पॉइंट है, इसको थोड़ा सा फूल जैसा रूप आप इसको दे दें, जिससे लगे कि ये फूल है। और देखिए, ये मैंने फिर से रखी, और जिग जैग करके मैंने तीसरी वाली भी इसके ऊपर रख दी है। देखिए कितना सुंदर ये फूल सा बनने लगा ना, 5 पेटल्स वाला, तो ऐसा लग रहा है जैसे ये 5 पेटल्स का फूल है। देखिए, ये रखी और दूसरी इसके ऊपर रखी है, नीचे वाली जो है वो सीधी है, उसको हम बिल्कुल भी टच नहीं कर रहे हैं। जो साइड वाली है ना दोनों, उसको आपस में जिग जैग करते हुए चले जाना है, और जिस तरह आप आगे बढ़ते जाएं, पीछे वाले पे थोड़ा सा कलर लगाते जाएं, जिससे वाइट और पिंक बहुत अच्छा शेड आएगा। देखिए, मैंने आपके सामने ही बिल्कुल बनाई है, वीडियो में कोई एडिटिंग नहीं की है, जिससे कि आपको ये ना लगे कि मैंने पीछे से कोई और माला दिखा दी है। मैं इसी को ही बना रही हूँ, और कितनी सुंदर है, देखने में बहुत सुंदर लग रही है। फ्रेंड्स, मेरा तो मन है कि मैं अभी इसको जाके अपने भगवान को पहना दूँ, अपनी माता को पहना दूँ, लेकिन मेरे को मंडे तक का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं इसको पहनाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, और धीरे धीरे करते करते आगे बढ़ते जाएं, और आपकी माला पूरी होती जाएगी। जहाँ भी ये तीनों लेयर आपस में टच करती हैं, वहाँ आपको हल्का सा कलर
पानी और कलर मिक्स करके टच कर देना है, जिससे कि वो शेड थोड़ा सा डार्क हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, माला पूरी रेडी हो गई है। बस आपको ध्यान रखना है कि आपने ये दो मालाएं बनाई हैं और फिर इनको आपस में नीचे, जिससे कि जॉइंट हो जाए, एक के ऊपर एक रख दिया है। बस हमने यही किया है और हमारी पूरी माला बनकर रेडी हो गई है। जब भी आप इसको भगवान को पहनाएं तो पीछे आप इसमें हल्का सी नोट भी बांध सकते हैं। तो देखिए कितनी आसानी से हमने माला बना ली है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय फ्रेंड्स।